इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर, नमक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, मटर, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, तेल, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया बारीक कटा हुआ और करी लीव। सबसे पहले हम पनीर को स्मैश करेंगे। इस तरीके से स्मैश कर ले पनीर को। आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं। पनीर स्मैश हो चुका है, अब हम तेल गरम करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल। तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, करी लीव डालेंगे, प्याज डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें मटर डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं और इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वादानुसार। मिक्स कर देते हैं। अब हमारी पनीर भुर्जी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे गार्निश करेंगे। तो ये थी हमारी पनीर भुर्जी। आप इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ, पाव या ब्रेड के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।